भोपाल जेल में कैदियों के हमले में शहीद हुए हेड कांस्टेबल रमाशंकर सिंह का आज अंतिम संस्कार किया गया। राज्य के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी रमाशंकर सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि लोगों को शहीद रमाशंकर सिंह का बलिदान नहीं दिखता, दो शब्द शहीद के लिए भी बोल देते। लानत है ऐसी राजनीति और नेताओं पर। साथ ही इस दौरान सीएम ने शहीद के परिवार को पूरी मदद देने का भरोसा दिया है। वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर पूरे मामले पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पूछा है कि जेल से सिर्फ मुस्लिम कैदी ही क्यों भागते हैं, हिंदू कैदी क्यों नहीं। वहीं इस बीच कुछ खबरें ऐसी भी आई हैं जिनमें कहा जा रहा है कि जेल का सीसीटीवी कैमरा पिछले 3 दिनों से खराब था, जिसकी वजह से कैदियों को भागने में आसानी हुई। ये जेल प्रशासन भी बड़ी लापरवाही की ओर इशारा करती है। वहीं अब इस मामले में राज्य के मानवाधिकार आयोग ने एनकाउंटर पर रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने 15 दिनों के अंदर पूरी घटना की रिपोर्ट जमा करने को कहा है। मानवाधिकार आयोग के पीआरओ ने कहा है कि वे वीडियो की भी जांच करेंगे। दरअसल वीडियो के सामने आने के बाद मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार फंसती नजर आ रही है। इस वीडियो में गोली मारते और जेब से चाकू निकालने की तस्वीर दिख रही है, जिसके बाद आनन-फानन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले की जांच एनआईए से कराने की घोषणा की। इस मामले में भले ही सीएम शिवराज सिंह चौहान सियासत ना करने की हिदायत दे रहे हों, लेकिन इस एनकाउंटर में जिस तरह से नए नए खुलासे हो रहे हैं उससे राज्य सरकार की चिंता जरूर पड़ गई है। और यही बात है कि विपक्ष राज्य सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। देखते रहिए टीवी लाइव।